प्रकृति का एक बहुत बड़ा मंत्र है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, और ये रूल आज भी हमारे पे लागू होता है। जब भी कोई काम करते हैं तो लोग मैक्सिमम लोग ये बोल देते हैं कि कर्म पे ध्यान दो फल पे मत ध्यान दो, लेकिन ये चीज हो नहीं पाता है। हम लोग हमेशा फल की चिंता करते हैं कि इस कर्म को करने से हमें क्या फल मिलेगा, और ये सच्चाई भी है कि अगर इसकी चिंता ना करें, अगर हम इसके बारे में ना सोचे तो हम लोग कोई भी कर्म नहीं कर पाएंगे। अगर एक हिसाब से अगर देखा जाए तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो अगर हम लोग कर्म कर रहे हैं तो फल की इच्छा में ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बिना फल की इच्छा किए हुए भी कर्म करते हैं। लेकिन ये नियम जो बनाया गया है, ये नियम क्यों बनाया गया है, क्या ये नियम आज भी काम करता है, और क्या सच में इस नियम पे अगर हम लोग फॉलो किया जाए तो हम लोग सक्सेस हो सकते हैं या हम उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जिस मुकाम पे हम पहुंचना चाहते हैं। अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो ये नियम आज भी काम करता है उतना ही पावरफुल से जितना पहले काम करता था, बस उसकी नजरिया अगर थोड़ी सी देखा जाए तो बदल गई है। वो यूं बदल गई है कि जैसे भी आप कहीं पर भी काम करते हैं, किसी भी जगह काम करते हैं, तो क्या फल आपके वजह से मिलता है? अगर ध्यान देंगे तो पता चलेगा फल आपके वजह से नहीं मिलता है, और नहीं फल आप खुद कमाते हो। दरअसल फल देने वाला कोई और होता है। जब कहीं किसी भी जगह आप जॉब करते हैं तो जॉब क्यों करते हैं? आप सोचते हैं कि इससे हमको सैलरी मिलेगी, वही आपका फल है। तो जो सैलरी मिलेगी तो वो क्या आपके हाथ में है वो सैलरी? अगर आप ध्यान देंगे तो साफ साफ पता चलेगा कि नहीं, आपके हाथ में वो सैलरी नहीं होती है, वो हाथ में किसी और दूसरे पर्सन के हाथ में होता है वो सैलरी देना। और ये भी है कि वो चाहे तो आपको सैलरी नहीं देगा। बहुत से जगह ऐसे आपको देखने सुनने को मिल जाता है कि हम काम करते हैं पर हमें उसका सैलरी नहीं मिला, या उस काम का हमें वो वैल्यू नहीं मिला जितना हमको मिलना चाहिए, उतनी कीमत नहीं मिल पाई हमें। तो यहाँ पे भी तो वो रूल लागू ही हो रहा है कि कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन फल देने वाला कोई और ही है। अगर आप हर चीज में अगर देखेंगे, किसी भी चीज में, पढ़ाई हुआ, जॉब्स हुए, या कोई बिजनेस हुआ, किसी भी चीज को अगर आप उठाएंगे तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ कर्म का ही होता है। फल पे आपका कोई अधिकार ही नहीं है। आप अपने अनुसार फल को नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर आपको अपने अनुसार फल हासिल करना है तो आपको उस अनुसार से कर्म करना होगा। तो ये बात तो यहाँ पे प्रूव हो जाती है। अगर आप किसी भी चीज को देखेंगे तो यही चीज आपके सामने आएगा कि सिर्फ आप कर्म पे ही आपका अधिकार है, फल पे आपका कोई अधिकार नहीं। यानी जो आपको मिलने वाला है उस पे कोई अधिकार नहीं है। आप क्या कर सकते हो इस पे आपका अधिकार है। पर इसके बाद भी लोग कर्म बहुत लोग करते भी हैं और इसके बाद भी लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं या उसका उचित दाम नहीं मिलता है, तो फिर लोग बोलते हैं कि अब तो हम कर्म उसके अनुसार किए जितना हमको उसका फल मिलना चाहिए। पर देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी से 1,000 रुपया उधार ले लिए। अब उस 1,000 रुपए को हमें चुकाना है, तो आज तो हमको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए हैं, अब उसको चुकाने के लिए किसी न किसी रूप में हम चुकाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकृति का जो रूल है वो इसी हिसाब से है कि कोई भी किसी से उधार नहीं ले सकता, वो सबको कभी न कभी किसी रूप में देना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आप किसी का काम किए और वो आपको उसका उचित दाम नहीं दिया, तो इससे घबराने वाली बात कोई नहीं है। इसमें दो चीज हो सकता है, या तो आप कभी न कभी उससे उधार लिए होंगे तब आपको आज फ्री में काम करना पड़ रहा है, या आज अगर आप फ्री में काम किए हैं तो आप उसको उधार दे दिए, अब कभी न कभी आपको इसका वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, होता क्या है कि ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक एनर्जी है, ये एक ऊर्जा है जो बस ट्रांसफर हो रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अगर देखा जाए तो हम काम करते हैं, काम के बदले हमें उसका आउटपुट मिलता है। तो जो हम काम करते हैं ये हमारा एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा से हम एक आउटपुट को बाहर निकाल रहे हैं, यानी एक आउटपुट हम निकाल रहे हैं। आखिर उस काम के लिए हम मेहनत किए, और मेहनत किए, मेहनत क्या है? ऊर्जा ही है। तो जो हमारा ऊर्जा लगा उस ऊर्जा का ही आउटपुट हमारा वो सैलरी है, ठीक है। तो ऊर्जा बराबर हमारा सैलरी हो गया, यानी जितना मेहनत की उसके बराबर हमारा सैलरी हो गया। अब यही सैलरी पूरा वातावरण में किसी न किसी हिसाब से घूम फिर के वापस ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये सैलरी वापस ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होती है। देखिए, ध्यान अगर देंगे आप पूरी सृष्टि पे, अगर एक ये मेरा मत है और ये सच्चाई भी है, जरा सा अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम काम करते हैं, और हम काम कैसे कर लेते हैं? वो इसलिए काम कर लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा है। अगर ऊर्जा नहीं होता तो हम काम भी नहीं कर पाते। अगर हम बीमार रहते, अगर हमारे पास पावर नहीं रहता तो हम काम नहीं कर पाते। और काम क्यों करते हैं? कि हम ऊर्जा अपने अंदर ला सकें। यानी अगर इसको डायरेक्ट वे में देखा जाए तो हम अपने अंदर पावर लाने के लिए इनको काम करते हैं कि हमारे पास पैसा रहेगा तो हम खाएंगे, और खाएंगे तो ही हमारे पास एनर्जी रहेगी, और इस वक्त हमारे पास एनर्जी है तो हम उस एनर्जी से काम करते हैं। उस एनर्जी से काम करते तो हमारे पास एक सैलरी आती है। अब उस सैलरी से हम क्या करते हैं? उस सैलरी से हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग खाने का सामान जुटाते हैं।
कोई भी सुख सुविधा का सामान तो जुटाएगा नहीं, सब लोग खाने का सामान जुटाता है। क्यों खाने का सामान जुटाता है? कि वापस हमारे अंदर वो ऊर्जा आ सके, क्योंकि अगर वो ऊर्जा नहीं आएगा तो वापस से हम ये सैलरी नहीं ले पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो उससे अदर काम करते हैं, जैसे कुछ अपनी सुख सुविधा का काम हम कर लेते हैं, तो वो क्या है? तो वो भी एक ऊर्जा ही है। वो आप एक स्टोर कर लिए ऊर्जा को। मान लीजिए कि आपको 1000 मिला, उसमें से 500 रुपया आप अपने ऊपर खर्च कर लिए खाने पीने में, और 500 रुपया का कोई सामान ले लिए, ठीक है? तो वो अब सामान जो है आपका, कोई भी सामान, वो ऊर्जा के रूप में उसमें स्थिर हो गया। अब चाहेंगे तो उससे आप जो सुख सुविधा उठा रहे हैं वो भी तो एक ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है ना। आखिर आपको आराम मिल रहा है तो आपको ऊर्जा मिल रहा है किसी न किसी रूप से, तो वो भी एक किसी न किसी वे में आपके अंदर वो ऊर्जा वापस से जा रही है। तो देखिए दोस्तों, ये सारा कुछ ऊर्जा का ही खेल है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। और ये भी सत्य है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उसका उचित दाम आपको मिलना ही है। कोई भी काम खराब नहीं होता है, उसका आउटपुट, उसका फल आपको आज नहीं तो कल मिलेगा ही, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जो आप किए हैं उसके आउटपुट को आपको लेना पड़ेगा। अब आप अगर अच्छा कर्म करेंगे तो उसके हिसाब से आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो उसके हिसाब से आपको बुरा फल मिलेगा। तो यहाँ पे तो हम फल की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आध्यात्मिक लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको सबसे धोना है ना, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप सिर्फ और सिर्फ काम करते रहिए। अगर आपको उसका उचित आउटपुट नहीं मिल पा रहा, उचित दाम नहीं मिल पा रहा ना, तो आप उससे घबराइए मत। आप ये सोचिए कि आपको ये आउटपुट या ये जो पैसा है कभी ना कभी आपको देना था जो आप दे रहे हैं, या फिर ये सोचिए कि हो सकता है कि हम इसको उधार में किसी को दे रहे हैं, ये आज नहीं तो कल हमें मिलेगा ही वापस। अगर आप ऐसा सोच के काम करेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी किसी भी काम में सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों ये मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही मोटिव था कि किसी भी काम को करने के लिए फल की चिंता मत ही करिए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ लेकिन सोच तो लेते हैं, अगर हम सच मायने में अगर बताया जाए तो सभी ये सोचता है कर्म करने से पहले कि अच्छा इसका क्या आउटपुट होगा। ठीक है, ये इस पे हम लोग कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना हम उसको सोचे हम कैसे कर्म करें ये भी कहना आसान नहीं है। लेकिन अगर सिद्धांतों को देखा जाए, अगर लॉ को देखा जाए, तो लॉ तो यही कहता है कि हमारे हाथ में फल नहीं है, फल किसी और के ही हाथ में होता है और वही हमको देता है। तो सब चीज का फल जो देने वाला है वो एक सृष्टि में कोई चीज है जो संतुलन बना रही है, और वही हम लोग को इसका फल देता है। तो दोस्तों इस पे आपका क्या राय है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले, शेयर भी कर दे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।